आगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। किस तरह उन्होंने कांग्रेस को घेरा आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक एससी एसटी का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके एससी एसटी को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है, आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक एससी एसटी का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके एससी एसटी को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। राहुल गांधी जी की और सीधे अब आपको लिए चलते हैं। अमरोहा से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव की तरफ चलते हैं। राजीव, अमरोहा वो सीट जहां पर 2019 में बसपा जीती थी, 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास और अमरोहा की 8वीं सीट जो थी उसको बसपा ने अपने नाम किया था। इस बार यहां मुकाबला कितना दिलचस्प है और दूसरे फेज में जिस तरह के वार पलटवार हो रहे हैं, तुष्टिकरण की कोशिशें हो रही हैं, अपने अपने वोटर्स तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद अमरोहा का यह रण कितना दिलचस्प हो गया है? दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर और जो सपा और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार है दानिश अली, जो कि बसपा से यहाँ पर सांसद भी रहे, उनके बीच देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा में अभी तक जिन उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सर्वाधिक मतदान 11 बजे तक हुआ है, 28.45%। आप देख सकते हैं कि दोपहर का समय है, कड़ी धूप है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में जो अमरोहा के मतदाता है वो कतारबंद होकर लाइनों में लगे हैं और अपना मतदान और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं जो मतदान करने पहुंचे हूं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? महंगाई, बहुत महंगाई है। आप किन मुद्दों को? महंगाई को लेकर। आप महंगाई को लेकर सर? आप लोग महंगाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, और भी कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करना चाहेंगे? कोई मुद्दा आप देख रहे हैं कि कई यहाँ पर लोग हैं जो फिलहाल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने यहाँ आए हैं ये अभी वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बात अमरोहा की करें तो यहाँ पर भले ही जो दानिश अली हैं वो बसपा से पहले यहाँ पर सांसद रहे हैं और इस बार वो पार्टी बदल कर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस से वोट देने बजे हैं, क्या लगता है चाचा किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करेंगे लोग? भाई, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। हम दाढ़ी टोपी वाले लोग अकेले सफर नहीं कर पा रहे, डर है, क्योंकि जो मामलात हैं, जो भाई जा रहा था वो खत्म हो गया मामला, डर कि हम बिजनेस करने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 5-6 बंदे साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि जो भी योजनाएं चला रहे हैं उस पर सभी को बिना भेदभाव के उसका लाभ मिल रहा है, किसी भी कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। नहीं, योजनाओं का लाभ तो मिलेगा क्योंकि आज मतदाता जागरूक है, अपने अधिकार को जानता है, इसमें सरकार का दखल नहीं है। अगर वो सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो इसकी पीठ थपथपाने का कोई मामला नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार, चाहे अमरोहा हो या आसपास की सीट पर, खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो संपत्ति का बंटवारा होगा या फिर जो विरासत टैक्स लगेगा, जो फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या मुस्लिम मतदाता, यहां से बसपा उम्मीदवार भी मुस्लिम है, तो किस तरह का यहां पर परसेंटेज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं? प्रत्याशी मायने नहीं रखा था,
एमपी वोट के अंदर प्रत्याशी मायने नहीं रखा था, मायने रखाती है पार्टी, क्योंकि ये चुनाव बड़ा है और बड़े चुनाव के हिसाब से प्रत्याशी अहमियत नहीं रखा था, पार्टी अहमियत रखाती है। हम हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं कर रहे, हम फूल को वोट दे देंगे, अगर फूल हमारे जो अधिकार हैं उसको देने लगे हम फूल को वोट देंगे। हमारी नजर में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो है मुलायम सिंह यादव को वोट दिया है, हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, हम मायावती को हिंदू मुसलमान है नहीं, मुसलमान इस देश का जो है कभी हिंदू मुस्लिम पर वोट देता ही नहीं है, वो देता है तो सिर्फ अपने अधिकारों को पहचानने के लिए जी, कि हम अपने अधिकार पहचाने। जो हमारे अधिकार हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, जो जो अधिकारों की रक्षा करेगा उसका वोट करेंगे। कई और लोग मौजूद हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? बदलाव होने चाहिए, इस देश में बदलाव बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम में वोट पड़ना चाहिए, वोट तो अधिकार बदलना चाहिए कि हमारे जो अधिकार है वो हमें मिल जाए, खाना पीना रहना सहना जी राजीव, सफाई ये होनी चाहिए। अपने अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और हम गाजियाबाद का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने लोगों को चुनाव में आगे बढ़कर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जताई है। चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर आकाश आनंद ने कहा है कि इस बारे में मायावती फैसला लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप जरूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का, आपको जो सही लगे पार्टी आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं तो आपसे जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहां बहन जी को जिताने का काम करें। पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी चीजों रिजल्ट्स को आउटकम को देख के, और हम इसलिए अलग लड़ रहे हैं कि हम चाहे वो ईडी हो या एनडीए हो, हम उनकी पॉलिसी डिसीजन से अलाइन नहीं करते। तो मतदान प्रतिशत बढ़े उसके लिए लगातार अपील की जा रही है। और सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहां पर एक तरफ बीजेपी की ओर से अतुल गर्ग मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से डॉली शर्मा, पिछले बार भी उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा था वीके सिंह के खिलाफ, एक बार फिर से यहां पर बीजेपी को वो चैलेंज दे रही है। तो दूसरे चरण से पहले जिन मुद्दों का जिक्र हुआ उसमें हमने देखा विरासत टैक्स की भी बात हुई, तुष्टिकरण की भी बात हुई, और ये तक कहा गया कि आपकी जो वेल्थ है पिछड़ों और दलितों की वेल्थ जो है वो उठा करके मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को दे देना चाहती है कांग्रेस, इस तरह का मुद्दा। यानी पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में हम देख रहे हैं किस तरह खुलम खुला तुष्टिकरण की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी अपने अपने वोट बैंक तक संदेश पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र का पावन पर्व है, उस पर्व में तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने वोट की आहुति डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ कुछ वोटर्स मेरे साथ खड़े हुए हैं जो कि वोट डालकर आए हैं, किन मुद्दों पर इन्होंने वोट डाले हैं और किन बातों को लेकर इन्होंने वोट डाले हैं और किन लोगों को आप चुनना चाहते हैं, वजह क्या रहेगी, किसी पार्टी का मैं आपसे नाम नहीं जानना चाहूंगा, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट डाला? कि लेडीज के लिए अब काफी सेफ है यूपी और मतलब सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत ही मतलब हर चीज़ बहुत क्लियरेंस से मिलती है, जब कुछ वादा किया जाता है तो वो टाइम पे पूरा होता है, ना कि उसकी सिर्फ वो करा जाता है। यानी वादे पूरे कर रहे हैं जो मौजूदा हैं, जो मौजूदा हैं जी, जैसे कि आप 5 लेन हाईवे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे सबको बहुत राहत मिली है। बिल्कुल राहत मिली है। गाजियाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर लोकल मुद्दों की मैं बात करूं, जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, अवैध निर्माण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो बड़ी समस्या है। यूथ भी मेरे साथ है, कहा जाता है यूथ का ऊपर दारोमदार होता है, उनके कंधों पर होता है, आपकी मुस्कान बता रही है। किन मुद्दों पर वोट किया? इन मुद्दों पर, एक तो मतलब मेन मुद्दे की और चीजें तो सब जो दूसरी सरकारें कर रही हैं फ्री में कर रही हैं, वो तो चलो उससे तो एक तरीके से मतलब आप लाइबिलिटी बना रहे हो, लोगों को असेट नहीं बना रहे, पर जो जो अभी सरकार चल रही है वो असेट बनाती है लोगों की, वो चाहती है कि तुम ही काम करो और तुम ही उससे टैक्स दो जी। क्योंकि टैक्स तो हर तरीके से सबको होता ही है, मेनली मेरा तो मुद्दा ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो वोटर है, जागरूक वोटर है, खासतौर पर आज का यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी इस बार उत्साह है और वो अपने मुद्दों और ओपिनियंस को लेकर बहुत क्लियर भी है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है, आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता है, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे। आलोक जी, आपसे सवाल यही, पोलिंग परसेंट जो अभी तक आया है फर्स्ट फेज के बाद, हालांकि अभी पूरा दिन बाकी है, 11 बजे तक का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो 24% के आसपास है, आप संतुष्ट हैं
कैंपेन चलाए गए कि बढ़े ये वोटिंग प्रतिशत, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने और विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी अपील करी है कि वोट का अधिकार आपका सबसे पहला अधिकार है, उसका जरूर पालन करना चाहिए। देश की आगे आने वाली सरकार इसी वोट पर निर्भर करती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक वोट ना डालने से कोई सरकार चली जाए या एक वोट आपके डाल देने से कोई सरकार दूसरी आ जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के वोट करने की आवश्यकता है। देश सुरक्षित हाथों में है, देश का संविधान सुरक्षित है, देश आज तीव्र गति से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। इसकी दौड़ को रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वोट जरूर डालें, ये हमारे सभी लोगों ने अपील करी है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले इन 8 सीटों का, उनमें से अमरोहा सीट छोड़कर के 7 सीट हमने जीती थी पश्चिम यूपी की, और इस बार भी हम 8 सीटें जीतेंगे, अमरोहा को भी जीतेंगे। जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड आ रहा है वो भाजपा के पक्ष में है। जी जी जी, चलिए, आपने माना कि ये भाजपा के पक्ष में है जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है। अशोक यादव जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बीजेपी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, वो फर्स्ट फेज में भी लहर का जिक्र कर रही थी और अभी भी वोटिंग परसेंटेज को देखकर वो यही कह रही है। उसके बाद इनकी बौखलाहट इनके चेहरों पे नहीं झलकती जिस तरह की बौखलाहट झलक रही है। और जो सीएसडीएस का सर्वे भी यही बता रहा है कि 23% जनता महंगाई की बात कर रही है, 27% जनता बेरोजगारी से कंसर्न है और मात्र 8% जनता हिंदू मुस्लिम से कंसर्न रखती है। इसी 8% को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बौखलाहट है कि जो हमारा मूल एजेंडा है उस एजेंडे पर तो मात्र 8% लोग हैं, इसलिए उस एजेंडे को हाईलाइट करना है। इसी क्रम में लगातार, चाहे वो माननीय मोदी जी हो या योगी जी हो, भारतीय जनता पार्टी का टॉप से लेकर बॉटम तक हर नेता इस तरह की एक धार्मिक मतलब नफरत फैलाने की बात लगातार कर रहा है। आपको या हमको इस बात को जान लेना चाहिए कि जो इस देश का मुखिया है, जिसके ऊपर इस देश के जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति अगर इस तरह से देश में धार्मिक नफरत की बात करेगा तो इस देश का कैसे चलेगा। इसे अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक टिप्पणी हम रतिभान त्रिपाठी जी से भी लेते हैं। रतिभान जी, बताइए कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, इनका इंटरप्रिटेशन पक्ष या विपक्ष अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप जनता की भी बात सुन रहे हैं, किन मुद्दों को वो तरजीह दे रही है और दूसरे चरण में पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुद्दों को किस तरह तुष्टीकरण पर ला करके एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी ट्रेंड शुरू किया है वो उनका मूल ट्रेंड है, कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हासिल करने की बात करते हैं, तो जो आरक्षण का तरीका, जो संवैधानिक तरीका, उस तरीके से ही आप आरक्षण किसी को दे सकते हैं, मनमाने तरीके से नहीं। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए आप आरक्षण दे, ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी यानी एनडीए ने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से, या इसे कहें बड़ी बुद्धिमानी से अपने पिच पर खींच लिया विपक्ष को, जो विपक्ष उसको उस पर जवाब देने से कतरा रहा है, बच रहा है, ये नहीं कह पा रहा है कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय को किस आधार पर उसका पसमानदा मुसलमानों का हक जो था उसे छीनकर। बिल्कुल बिल्कुल, जो इन सभी बिंदुओं को विस्तार से चर्चा में लेकर आएंगे रतिभान जी। विस्तार से हम सुनेंगे कि कैसे अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को लेकर के यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है और कौन कर रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से दूसरे चरण के लिए जनता कौन से मुद्दों को तरजीह दे रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ये बताइए, पर पिछली बार हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि चुनाव। चलिए आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अलीगढ़ की जनता के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि वो अपने पक्ष में वोटर्स को ला सके। अब आज कितने बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ताला और तालीम का शहर है अलीगढ़, और यहाँ की जनता किसे जीत की चाबी सौंपती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस चाबी के लिए आज वोटिंग शुरू कर दी। आप देख लिए, संत फितलिस कॉलेज है जहाँ पे लगातार वोटरों का आना जाना जारी है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, लगातार वोटिंग कर रही हैं और हम इनसे बात करने भी कोशिश करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं? देश के विकास के लिए। देश के विकास के, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? जो राम को लाया है
हम उनको लाएंगे। आप देखिए जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे ये, और विकास के नाम पे भी वोट हो रहा है, आप वोट कास्ट कर रहे हैं? देश के विकास के नाम के वोट हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? नीतू अग्रवाल। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा का है मेन, उनका सेफ्टी है। सेफ्टी है, सुरक्षा को लेकर वोट किया है, विकास, राम मंदिर और महिला सुरक्षा को लेकर यहां पे वोट किया जा रहा है। करीब 1600 पोलिंग स्टेशन यहां अलीगढ़ में बनाए गए हैं और 3000 से ज्यादा बूथ हैं और 1990,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि आज 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। लेकिन यहां पे राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को तीसरी बार इस सीट पर मैदान में उतारा है, वो है सतीश गौतम। अब वो हैट्रिक यहां पे लगा पाएंगे या नहीं, हालांकि न्यूज 18 से स्पेशल बात में उन्होंने कहा कि वो इस बार पिछले से दोगुने ज्यादा मतदानों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ प्रमंदीप। और लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है, देश भर में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर आज वोटिंग जारी। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर सीट पर मौजूद हूं, मेरे आसपास आप देख सकते हैं महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। आंटी जी, वोट कास्ट करके आई आप? हाँ जी। दिखाइए क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? भाई आप मोदी जी के मुद्दों को, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताइए। मैं अभी वैसे कुरुक्षेत्र में पोस्टेड हूँ और आज केवल मतदान के लिए कुरुक्षेत्र से यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपना राइट टू वोट यूज कर सकूँ। और यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी अच्छा है, स्कूलों का स्कूल में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बनाए हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं। जैसे माताजी की ओल्ड एज है तो उन्हें बिना लाइन के भी अंदर पहले प्रायोरिटी पे मतदान, यहाँ पर इंतजाम काफी ज्यादा किए गए। आप बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा? उठा रही है राजनीतिक पार्टियां, सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सही हाथों में जाए, जिससे कि आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और महिलाएं भी सुरक्षित हैं और विकास हुआ है। विकास हम सभी चाहते हैं कि देश का विकास हो, फ्यूचर हमारा सही हाथों में रहे। चलिए एक बार सभी लोग, आप लोग वोट कास्ट करके आए हैं, एक बार आप लोग चिन्ह दिखा दीजिए। तो देखिए सुबह से ही लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, तो जरूर घर से बाहर निकलिए और मतदान आप जरूर दें। अब तमाम शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, अब चलिए उनका रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूं और साथ ही चर्चा करेंगे आगे कि आज कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है अभी तक। देखिए एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सबसे पहले बागपत से पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से संदीप पांडे हैं, गाजियाबाद से फराह खान है, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शरद त्रिवेदी जी है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। विजय राठी जी जुड़ गए हैं सपा से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक एक कर शहरों का हाल जान लेते हैं कि कहां पर मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह। सबसे पहले बागपत चलते, पवन आपके आसपास तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या मुद्दे हैं बागपत की जनता पे जिसको ध्यान में रखकर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए बागपत में सुबह से ही मतदाताओं में लगातार उत्साह है और मतदाता लगातार आप देख रहे हो लंबी कतार लगी हुई है, सुबह से इसी तरह के हालात हैं और यहाँ मतदाता जो है अच्छी खासी संख्या में अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दे उनके दिमाग में है। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या आपके दिमाग में है, कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में है? मुद्दे तो है नहीं, वोट डालने बस। नहीं, वोट डालने के कुछ सोच के तो आए होंगे, क्या चाहते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं, किस तरह से आप देखना चाहते हैं बागपत को? विकास तो हो रहा है बागपत में, ठीक। आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, बेरोजगारी है और क्या, कोई भी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ बागपत यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके अंदर दिमाग जब आप वोट डालने जा रहे हैं? तो
सर ये मुद्दा कि विकास के लिए मुद्दा है, विकास नहीं हो पाता, विकास कोई से सबसे पहले और भी आए लेकिन अब भी विकास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी आए विकास हो, विकास के लिए हम वोटिंग करते हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में जब वोट डालने आप यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं? हमारा जो कैंडिडेट है वो ईमानदार, बढ़िया और साफ छवि का होना चाहिए, गुंडागर्दी न करने वाला नहीं होना चाहिए। जिनके जो है बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनकी बजाय उस व्यक्ति को वोट देनी चाहिए जो आपके बीच का। तो देखिए विकास के मुद्दे पर जनता वोट करने के लिए पहुंची हुई है। अब ये विकास की बात तो बार बार बीजेपी करती रही है, कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। चलिए आपको गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां से फराह खान हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। फराह, मैं देख रही हूं, मैं जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हूं, पहले चरण के मुताबिक अब दूसरे फेज में काफी ज्यादा उत्साह लोगों में बढ़ गया है। आप अपने आसपास तस्वीरें दिखाइए, क्या पहले फेज के मुकाबले आप भी फर्क देख पा रही हैं? क्या इस बार उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत बढ़ने वाला? और साथ ही बताइए कि गाजियाबाद की जनता के क्या मुद्दे? बिल्कुल अमनदीप, गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले जो गाजियाबाद है, वहां पर लगातार जो है वो मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही थी लॉन्ग वीकेंड है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, एक बार मैं चाहूंगी कि लोग दिखाएं कि देखिए अभी वोट करके आए हैं, सीधा बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं। आप बताइए अपने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट? मैंने जो है सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के लिए ही वोट किया है, तो देश के बिना कुछ नहीं है। चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, वोट देकर आई हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देकर आई? बीजेपी, मोदी जी और कुछ नहीं। अच्छा, आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है? मैंने तो देश हित में जवानों पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा